नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टेक्निकल एक्सपर्ट्स टेक्निकल एडवाइजर्स योगेश तेजा फिर से हाजिर हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके पोस्ट हार्वेस्ट का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर राइपनिंग सेक्टर्स। दोस्तों भारतवर्ष में तीन फ्रूट्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि आम, मैंगो और बनाना यानी कि केले और पपीता यानी कि पपैया। ये तीन प्रोडक्ट दोस्तों, ये जो तीन फ्रूट्स हैं हमारे डेली यूज में हम लोग बड़ी मात्रा में उसको कंज्यूम करते हैं। दोस्तों हम जो ये केला जो सबसे नॉर्मल फ्रूट्स है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसके जो राइपनिंग प्रोसेस है, मतलब कि जो कच्चे केले में से जो पका केला है उसकी जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जो राइपनिंग प्रोसेस है ये एक अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी फ्रूट है जब वो धीरे धीरे मेच्योरिटी के स्टेज में आता है तो धीरे धीरे वो अपने आप पकने लगता है। अब फ्रूट्स को राइपन करने के लिए दो तीन तरीके हैं। दोस्तों पुराने समय में हम देख रहे थे कि लोग इथरल जैसे केमिकल्स या सड़ा हुआ कोई भी चीज़ यूज करते थे जिससे इथिलीन गैस जनरेट होता है और उससे फ्रूट पकता है। दोस्तों ये जो पद्धति है, ये जो प्रोसेस है बहुत ही नुकसानकारक है और जो खाने वाले हैं, जो कंज्यूम करने वाले, उनके स्वास्थ्य को भी बहुत बड़ी तरीके से नुकसान करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने जो अभी नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, जो नए जो सिस्टम भारतवर्ष में धीरे धीरे प्रचलित हो रही है, वो है कंट्रोल राइटनिंग सिस्टम्स। तो दोस्तों इसमें क्या फ़र्क है मुझे ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब हम कंट्रोल राइटनिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसमें हम जो भी फ्रूट्स हैं उसको जब हम राइपन करने के स्टार्ट करते हैं तो उसमें ड्यूरिंग द राइपनिंग प्रोसेस हम लोग टेम्परेचर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं। साथ में हम जो सर्कुलेशन है एयर का वो भी हम कंट्रोल करते हैं ताकि जो हर एक फ्रूट्स है वो उसमें यूनिफॉर्म राइपनिंग हो। दोस्तों राइपनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कैटलिस्ट है वो है इथिलीन। अब इथिलीन आप दो तीन तरीके से जनरेट कर सकते हो। दोस्तों एक तरीका है इथिलीन जनरेटर का। दोस्तों ये जनरेटर में हम इथिलीन का जो केमिकल लिक्विड है उसको हम डालते हैं तो उसमें से फ्यूम जनरेट होती है और उसमें से आपका जो फ्रूट के कांटेक्ट में आता है तो उससे धीरे धीरे फ्रूट अपनी राइपनिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। सबसे जो प्रिसाइज सिस्टम्स है वो है दोस्तों ब्लेंडेड गैस यूज़ करना। दोस्तों 5 से लेकर 10% इथिलीन गैस के साथ नाइट्रोजन मिक्स करके इसको हम एज ए राइपनिंग कैटलिस्ट यूज करते हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस है उसमें आपको सिलेंडर्स में गैस अवेलेबल मिलते हैं, उसको आप यूटिलाइज करके जो मैंगो है या पपीता है या जो केले हैं उसमें आप उसको रिलीज करते हो। और बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, जैसे आपका अगर केला है तो आप 90 पीपीएम तक मेंटेन करोगे, अगर मैंगो है तो आप 90 से लेकर 100 पीपीएम तक मेंटेन करोगे, या वेराइटी के ऊपर भी उसके जो कंट्रोल से जो रेशियो से वो चेंज होते रहते हैं। दोस्तों तो अकॉर्डिंगली वेराइटी हम लोग इथिलीन डोजिंग है वो हम प्रिसाइज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो राइपनिंग प्रोसेस है वो क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों राइपनिंग प्रोसेस ऐसी है जो एक कुदरती एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कोई भी फ्रूट्स में जब इथिलीन के टच में या कॉन्टेक्स में आता है फ्रूट्स तो धीरे धीरे वो राइपनिंग होना चालू होता है। तो दोस्तों जब हम लोग कोई भी फ्रूट्स है उसको जब राइपनिंग करना स्टार्ट करते हो तो इनिशियल शुरू शुरू के पीरियड में 10 से लेकर 24 घंटे तक हम इसको इथिलीन गैस के कॉन्सेंट्रेशन से उसको हम ट्रीट करते हैं। तो जैसे ही 24 घंटे के बाद फ्रूट अपने आप धीरे धीरे राइपन होना चालू हो जाता है, उसके बाद आपको उसको डोजिंग करने का गैस देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो राइपनिंग साइकिल है वो 4 से लेकर 6 दिन की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स एंड द फ्रूट्स वी डिसाइड द साइकिल्स। आजकल जो भारतवर्ष में नॉर्मली प्रचलित है वो 4 से 5 दिन की साइकिल है। तो दोस्तों इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 24 घंटे हम लोग उसको इथिलीन गैस का डोजिंग देते हैं, उसके बाद हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ताकि फ्रूट्स में से जो अधिक मात्रा में जो हीट निकलती है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रूट है वो आपका सॉफ्ट नहीं हो जाता रहता बल्कि हार्ड रहता है, उसकी फ्रेशनेस भी अच्छी रहती है। प्लस दोस्तों हम ड्यूरिंग दिस राइपनिंग प्रोसेस हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं तो उसकी वजह से तो अपना वेट लॉस भी कम आता है, प्लस स्किन भी टाइट रहती है। जैसे केले है या पपीता है या मैंगो है तो उसकी स्किन टाइट रहती है तो प्रोडक्ट का लेक्चर भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 24 घंटे हम इथिलीन गैस का डोजिंग करते हैं, उसके बाद 3 से लेकर 4 दिन तक हम
उसको नेचुरल वे में पकने का समय देते हो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेसिफाइड मात्रा से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है आपका, तो आपके जो फ्रूट्स है वो नर्म हो जाने के चांसेस है, और उसकी वजह से आपको उसमें मार्केट में बेचने में दिक्कत आ सकती है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। अब जो रैपनिंग सिस्टम है उसमें सबसे जो बेस्ट तरीका है वो फोर्स्ड ड्रॉप एयर सर्कुलेशन सिस्टम। दोस्तों ये जो पद्धति है उससे आप हर एक फ्रूट्स है उसको जो इथिलीन डोजिंग देना है वो यूनिफॉर्म मात्रा में दे सकते हो। प्लस उससे आपका जो फ्रूट्स है वो हर एक पूरा फ्रूट है वो एक ही कलर का राइपन होगा, तो जिससे दिखने में भी अच्छा लगता है, प्लस उसका टेस्ट भी बेटर आता है, और उसको मार्केट में आपको बेचने में भी बहुत आसानी रहती है। तो दोस्तों जब आप राइपनिंग चेम्बर का डिसीजन लेते हो बनाने का, तो आपको ये तीन चीज ध्यान में रखनी है कि आपका टेम्परेचर यूनिफॉर्म मेंटेन होना चाहिए, प्लस CO2 मेंटेन होना चाहिए, प्लस इथिलीन डोजिंग है दोस्तों वो फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो मात्रा में हमको इथिलीन चाहिए उतना ही हम दें और आपका फ्रूट्स है वो अच्छे तरीके से राइपन हो। तो दोस्तों आज हमने संक्षिप्त में रैपिंग सिस्टम्स के बारे में बात किया है। रैपिंग सिस्टम दोस्तों हम लोग भारतवर्ष में मोस्टली केला और आम के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पपीता है, अवाकाडो है, और जो कुछ सिट्रस फ्रूट है उसको भी डीग्रीनिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। डिटेल्स इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी क्लिक कर सकते हो। नमस्कार, थैंक यू। Welcome to Natural Storage Solutions Private Limited, your reliable partner for post-harvest projects across the globe. We provide turnkey solutions for various types of customized cold storage, frozen storage and blast freezer, fruit ripening system, potato grading line, fruit grading line, fruits and vegetables processing solution, IQF system, spiral freezer, along with world-class manufacturing facilities to produce the highest quality systems which are eco-friendly, low operating and user-friendly yet cost-effective to help you succeed. By using cutting-edge technology, we contribute our support to reduce the post-harvest losses, thereby serving the society and nation. Natural storage.